ओ सर देखो ये क्या बोल रहा भारत मतलब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म झुंड को लेकर। झुंड जो कि स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, या फिर ये कहें 25 दिन पूरे हो चले हैं, जो कि किसी भी फिल्म के लिए काफ़ी लंबा वक्त होता है। लेकिन ये फिल्म, मैं सही कहूँ ना, तो मुश्किल से 15 दिनों में टिक चुकी थी पूरी तरह से। अब ऐसे में बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर और इसके रिव्यू को लेकर, रिस्पॉन्स को लेकर, कि पब्लिक इस फिल्म को लेकर क्या बोली। भाई सही बताऊँ ना, सही शब्दों में पब्लिक इस फिल्म की दीवानी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड कर रही थी ऑस्कर को लेकर, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, मोटिवेशनल है और काफ़ी आपको लवेबल लगेगी, आपको पसंद आएगी फिल्म। और जो परफॉर्मेंस है अमिताभ बच्चन की विजय बारसे के तौर पे, वो भी काफ़ी कमाल की है। लेकिन भाई साहब सही बताऊँ ना, ये फिल्म हर तरह से परफेक्ट थी, चाहे सॉन्ग ले लो, चाहे डायरेक्शन ले लो, चाहे स्टोरी ले लो, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाई, बस एक जगह मात खा गई। तो जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का अभी तक का 25 दिनों के अंदर सभी जगहों से, वो आ रहा है मैक्सिमम कितना, 21 करोड़ 65 लाख रुपए 70 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी रिलीज डेट है OTT को लेकर, वो है 8 अप्रैल G5 पर। जी हाँ, अगर किसी को डाउट है कलेक्शन को लेकर या फिर बजट को लेकर, तो यार मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ आपको, विदॉय 8055 इंस्टा पर आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो अगर आपके पास है तो, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा फिल्म के बजट का, जो कि 30 करोड़ है और कलेक्शन जो अभी तक कंफर्म तौर पे नहीं आया है निकल के, लेकिन 16 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा कम ही होगा। जी हाँ, वेल आपको अपडेट पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।